बड़े मार का खाना शुरू करना है तो कैसे करना, पानी पीना है तो कैसे शुरू करना, कपड़े पहनने हैं तो कैसे, बिस्तर पर जाना है तो कैसे, बिस्तर से उठना है तो कैसे, बैतुल खला में जाना है तो कैसे। गर्द जिंदगी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिससे मुताले अल्लाह के प्यारे रसूल ने न बदला दिया हो कि काम को सिर्फ ऐसा ही नहीं कि नमाज नमाज पढ़ने को बताया गया, सिर्फ नमाज नमाज की बात नहीं बल्कि जिंदगी के हर हिस्से के बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने बतला दिया कि अपने हर काम की इब्तिदा इससे। और यही मोमिन और गैर मोमिन का फर्क है, यही मोमिन और गैर मोमिन का फर्क है। मोमिन जो है काम सारे अपने सब अपने, खाता है किसके लिए अपने, पानी पीता है अपनी प्यास बुझाता है, छोड़े जाता है तो अपनी नींद बिठाता है, काम से जाता है तो अपने काम के लिए जाता है, फल चलाता है तो अपने सारे काम कर रहा है, बीवी से मिल रहा है तो अपने बच्चों को बच्चों की कुछ परवरिश कर रहा है तो अपने। लेकिन अल्लाह ने ये बतलाया अल्लाह के रसूल ने कि ये सारे काम जो हैं जो तुम खुद अपनी जात के लिए करते हो अगर तुम इसे इस तरह शुरू करो तो फिर वो सारे काम इबादत करेगा, वो भी खाता है या गैर मुस्लिम भी खाता है। काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है और मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। बंदा जब करता है तो कहता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ने इरशाद फरमा दिया कुल अमर जी बारे लम युबदा बि बिस्मिल्लाह फहुवा अब्दा, कि हर काम हर अहम काम जो अल्लाह के नाम से शुरू न किया जाए वो बेबरकता रहता है, बेबरकता है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो काम भी आप कर रहे हो अगर उसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो अल्लाह की तरफ से बरकत का कोई वादा नहीं, अल्लाह की तरफ से उसमें बरकत नहीं आने वाली। अगर ये चाहते हो कि इसके अंदर अल्लाह की बरकत हो तो उसे बिस्मिल्लाह।
और हर काम में तो बरकत की जरूरत है। खाई तो रहे हैं पुलाव, लेकिन इसका क्या पता है इसमें धसका नहीं लगेगा, और इसका क्या पता है कि साहब पेट में इसका पॉइजन नहीं बनने। अगर अल्लाह की बरकत ना हो तो जिसे हम बढ़िया मजेदार समझ कर खा रहे हैं वो चीज हमारे लिए दुखदायक भी हो सकती है, तकलीफ दे। उसमें सही मजा जब ही आएगा जम के उसके अंदर है, वो खा वो लुकमा खा के जिससे आदमी को धसका लग जाए, जिससे आदमी के फेफड़ों में इधर उधर चली जाए वो, और फिर जो है उसे वो काया रोटी होती फिरे, तो फिर तो यूँ सोचता है यार पता नहीं कैसा खा लिया मैं नहीं खा पाता, फिर खा के भी पछताता है, और फिर जब उसे काया वाया हो जाती है तो थोड़ी देर निराल हो जाता है। तो सारी चीजों के अंदर जो बरकतें आती हैं वो बरकत आती है अल्लाह के नाम से, और जब बरकत आती है तभी उसके अंदर पता है। हर अहम काम जो अल्लाह के नाम से ना शुरू किया जाए वो बेबरकत है। तो मेरे बुजुर्गो, मेरे प्यारे दोस्तों, हमें सबको अल्लाह की तरफ से बरकत की जरूरत है ना। खाने में भी बरकत चाहिए, पानी में भी हमें बरकत चाहिए, नींद अच्छी आ जाए उसमें भी हमें बरकत चाहिए, हम खेत जो हम बोने जा रहे हैं बीज डाल रहे हैं उसमें भी हमें बरकत चाहिए, हम जो दूध निकालने जा रहे हैं उसके अंदर भी हमें बरकत चाहिए, हम जो रिश्तेदारी में रिश्तेदारी करने जा रहे हैं उसमें भी हमें बरकत चाहिए, हर चीज में हमें बरकत चाहिए। और बरकत के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर काम करने शुरू करने से पहले देखो, बहुत बड़े अमल की दावत नहीं दी जा रही है आपको, एक बहुत मामूली से अमल की दी जा रही है, बहुत मामूली सा अमल जिसे आप जानते भी हैं और करते भी इंशाअल्लाह होंगे, लेकिन आज की इस बात को सुनकर बिस्मिल्लाह की अहमियत अपने दिल के अंदर ले कर लेना कि बिस्मिल्लाह नाम है अल्लाह का, नाम लेने को कहते हैं बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह हर जगह हमें पढ़नी है, हर जगह हमें करनी है, खाना हो पीना हो सोना हो जागना हो उठना हो बैठना हो नमाज पढ़नी हो वुजू करनी हो, हर चीज से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी है, क्योंकि हर चीज में हमें बरकत की जरूरत है और अल्लाह ने बरकत का वादा किया है बिस्मिल्लाह पढ़। और अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो अल्लाह का रसूल फरमाता है तो वो अबतर, वो बेबरकता है, उसके अंदर बरकत नहीं। कोई समझ में आ गई नहीं बात? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह बिस्मिल्लाह इसी वजह से इस कदर अहम है कि सारी चीजों के शुरू में इसका पढ़ना मुस्तहब, हर अच्छे काम के हर अच्छे काम के शुरू में इसका पढ़ना मुस्तहब। और बाद अइमा के नजदीक तो बाद औकात में इसका पढ़ना बिल्कुल फर्ज है, वाजिब है। हजरत इमाम शाफी तो यूं कहते हैं, अगर वुजू करने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ी तो वुजू ही नहीं होगी। ला वुजू अलिमन लम यसमी अलैह, उसका वुजू ही नहीं जिसने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी। हमारे नजदीक, हमारे इमाम के नजदीक वुजू तो हो जाएगा मगर सवाबों में बहुत कमी हो जाएगी। अगर वुजू का सवाब लेना चाहते हैं, सवाब लेने के लिए तो वुजू कर ही रहे, सवाब लेने के लिए तो कर रहे हैं वुजू, और नहीं तो किस लिए कर रहे हैं? अगर सवाब लेना है तो सवाब बिस्मिल्लाह ही मिलेगा। अगर वुजू का सवाब जब भी मिलेगा जब उसके शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ेंगे, अगर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ेंगे तो वुजू का सवाब नहीं मिलेगा, वुजू जरूर होगा। लेकिन इमाम शाफी तो यहां तक कह रहे हैं तो उसका वुजू ही नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि बिस्मिल्लाह किस कदर, और सभी हाँ अगर जिमा करते वक्त में आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं कहा तो ला ताकुलु लिमन लम यज़कुर इस्मुल्लाह अलैह, उसका खाना भी हलाल नहीं जिस पर अल्लाह का नाम न ले, उसका खाना भी हलाल नहीं जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। जो जो जानवर आप जिमा कर रहे हैं उसके हलाल होने का, चाहे वो 50,000 का डंगर हो और चाहे वो आपने कुर्बानी के लिए खरीद रखा हो,
अकीके के लिए हो, वलीमे के लिए हो, कहीं के लिए भी, अगर आपने उसमें बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं पढ़ा तो सारा का सारा बेमान मुर्दा। तो आप देख सकते हैं बिस्मिल्लाह किस कदर है। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की अहमियत ये कि कुरान शरीफ के अंदर सूरह नमल के अंदर तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिल्कुल बिल इत्तेफाक कुरान का जुज है। उसके अलावा ये कुरान का ये दो आयतें हैं, कुरान की एक आयत नहीं दो आयतें हैं, ये इमाम आजम के नजदीक है। और बाद इमामों ने यूं कहा कि ये 114 आयतें हैं। कितने हैं? जितनी सूरतें हैं उतनी ही मर्तबा ये वाजिब है, बिल्कुल वो है कुरान की हिदायत। सूरह बरात में नहीं तो सूरह नमल में हो गई 114 सूरतें हैं, वो जो है एक वो हो गई, वो नहीं 113 अरे 14 वही 114 सूरते हैं, तो वो आयते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी ने पूरा कुरान पढ़ा और किसी जगह एक जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा तो कुरान नाकस रहेगा, कुरान नाकस रहेगा। ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने देखा होगा, सब जानते हैं, सबसे पहले कुरान खोलने के बाद जो नजर आएगी तो क्या है? बिस्मिल्लाह। और हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह। और इस कदर बाबरकत के अगर ना पढ़ो तो बेबरकत हो जाए। जो आपकी काफिलिया है क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? असल में ऐसा है कि जैसे हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ले जाते हैं ना, बच्चे को पढ़ाने के लिए ले गए, अब क्या करता है बाप या उस्ताद? उसकी वो नन्ही सी मासूम सी उंगली पकड़ता है और वो एक जगह रखवाता है, यहाँ रखो बेटे, यूं करके यूं रखो, और फिर क्या, फिर क्या है, कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ बाता, उससे कह लो यूं कहो बेटा, बेटा यूं कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमान, उससे बिस्मिल्लाह कह लो बेटा। ठीक इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों से बिस्मिल्लाह कह लो, वही प्यार भरा अंदाज है। बिस्मिल्लाह बंदे की जुबान है, अल्फाज तो अल्लाह के हैं, अल्लाह का कलाम है बिस्मिल्लाह, लेकिन अंदाज जो है वो किसका है? बंदे का है। क्या बंदे ही तो कह रहा, शुरू करता हूं सल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है, तो अल्लाह की बात हुई बंदे की बात हुई? तो बंदे की बात हुई ना, तो शुरू कौन कर रहा? बंदा कर रहा, अल्लाह थोड़ा ही कर रहा। और किसके नाम से? अल्लाह के नाम से। तो अल्लाह यूं थोड़ा ही कह रहा मैं अपने नाम से शुरू करूं, बल्कि ऐसे कह रहा शुरू करूं उस अंदाज के नाम जो मैं कह रहा हूं। जिस तरह बच्चे को कहा जाता है, बच्चे को कहा जाता है पढ़ो बेटा, इसी तरह अल्लाह की शफकत देखिए, अल्लाह की मेहरबानी देखिए कि ये बिल्कुल अनजान है, जानता नहीं। कुरान नाजिल करके नबियों को भेज के इसे बताया जा रहा है कि पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कलाम अल्लाह का है और जुबान बंदे की है, बंदे की जुबान से अल्लाह है इसको कह लो बंदे। और बाकी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब, अल्लाह कह रहे हैं कि ये किताब ऐसी है जिसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ने अपने लहजे में नहीं बल्कि बंदे के लहजे में कहा कि शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान निहायत। तो मेरे प्यारो, ये अल्लाह की मोहब्बत और शफकत की एक बहुत बड़ी मिसाल और बहुत बड़ा फजल है अल्लाह के बंदे को सिखाया बिस्मिल्लाह। तो ये कहता है शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से, शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत। मैं उसकी जात को नहीं पकड़ रख सकता, उसकी सिफात को नहीं जांच सकता, मैं तो बंदा हूं और बंदा भी बड़ा आजीज हूं,
मैं तो सिर्फ उसका नाम ले सकता बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, अल्लाह के नाम से खाता हूँ, अल्लाह के नाम से पीता हूँ, अल्लाह के नाम से सोता हूँ, अल्लाह के नाम से चलता हूँ और अल्लाह ही के नाम से हर काम करता हूँ। मैं तो अल्लाह के नाम से करता हूँ इसलिए कि अल्लाह का काम और अल्लाह की जात, अल्लाह की सिफात तो मेरी समझ से भी बहुत बाला हो बाला है। मैं तो बंदा हूँ, ज़ईफ हूँ, कमील हूँ, वमा उतीतु मिन इल्मि इल्ला क़लीला, मैं तो बहुत ही आजिज़ बंदा हूँ, मैं तो सिर्फ नाम जानता हूँ उसका और कुछ इस गुरसी के नाम से अल्लाह का ये नाम अपने अंदर बेनाम अल्लाह के नाम अल्लाह नाम है ذات واجب الوجود کا جو مستجمع لجميع صفات الکمال ہے وہ ذات جو اپنے اندر سارے صفات رکھتا ہے سارے کمالات رکھتا ہے اس کا نام اللہ اس میں جلالہ ہے اس کو کہتے ہیں اس میں جلالہ یعنی عزت والا بزرگی والا نام اللہ اور یہ الجائے کے ساتھ خاص ہے کسی دوسرے کو اللہ نہیں کہہ سکتے کسی دوسرے کو اللہ नहीं कह सकते अल्लाह ही को कह सकते हैं अल्लाह। अरे एक बात और बता दूं, अलग अलग नाम है अल्लाह, रहमान अलग नाम है, रहीम अलग नाम है, रज़्ज़ाक है, वो लतीफ भी है, वो गफ्फार भी है, वो सत्तार भी है, वो हय भी है, वो कय्यूम भी है, वो मुली भी है, वो मुमीन भी। लेकिन और हर नाम की अपनी एक तासीर है और सुनना, हर नाम की अपनी एक तासीर, इस नाम को पढ़ो तो ये तासीर जाहिर होगी, इस नाम को पढ़ो तो ये तासीर जाहिर होगी। किताब में पढ़ी, किताब में पढ़ी, या सलाम अल्लाह का नाम है, इसे पढ़ो तो गुस्सा रफू हो जाएगा, सलामती मिजाज में आ जाएगी। या लतीफ या वदूद, इसे पढ़ो ऐ मोहब्बत करने वाले, तो अगर मियां बीवी, बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर मियां बीवी के अंदर ना इत्तेफाकी हो और वो 1111 मर्तबा या लतीफ या वदूद पढ़े और दुआ मांगे तो अल्लाह उनके दरमियान मोहब्बत पैदा करे। या लतीफ या वदूद इसकी असल है। इसी तरह बहुत सारे नाम हैं और सारे नामों की अलग अलग सिफात है, लेकिन लिखा है बुजुर्गों ने कि अल्लाह के अंदर तमाम सिफात, किसी को कुछ याद नहीं, अल्लाह इस कदर अजीम निशान है, वो सिर्फ कहता है या अल्लाह, तो गोया उसने या रहीम भी कह दिया, या रहमान भी कह दिया, या रज़ाक भी कह दिया, या सत्तार भी कह दिया, या गफ्फार भी कह दिया, उसने सब कुछ कह दिया। अगर उसने या अल्लाह, ये अल्लाह इसमें जलाला है, अल्लाह का नाम सारे नामों का निचोड़ है, या अल्लाह, अल्लाह की अजमत कल्ब के अंदर पैदा की है। जब अल्लाह की अजमत कल्ब के अंदर पैदा हो जाती है तो आदमी का अंदाज, हम जब अल्लाह अकबर सुनते हैं तो हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग सुनते थे उनका अंदाज बदल जाता था। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ علیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادہ محترم جب اللہ اکبر کی صدا سنتے تھے تو پی زرد ہو جایا، زرد چہرہ زرد ہو جایا کرتا، وہ کہتا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ تو بالکل اللہ جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہ کا بادشاہ، उसने तलब किया है कि आ जाओ, बस पता नहीं क्यों तलब किया है, और वहां जाकर उसके आदाब की रियायत हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, इसलिए हम भी उन्हीं के नाम लेवा और यूं चाहते हैं कि उनके साथ हमारा हश्र हो। लेकिन हमारी बात यह है कि अव्वल में तो अल्लाहु अकबर सुनते रहते हैं और तबीयत पर असर ही नहीं होता, और अगर जरा वरा सा इतना असर हुआ चलो नमाज को चले गए तो नमाज में भी 100 खबासतें साथ लेके जाते हैं। वजू कर रहे तब भी बात कर रहे हैं, जा रहे तब भी बात कर रहे हैं, मस्जिद में बैठे तब भी बात कर रहे हैं,
तो साहब मतलब ये कि पता नहीं जब बात हो रही पता नहीं कैसे हो रही बात हो रही तो इसका मतलब यह है कि अंदर याद नहीं आ रहा चौधरी। इसीलिए कहा गया वजू करते हुए अगर कोई दुनिया की बात करता है तो फरिश्ते उससे लानत। एक दफे बोलता है कोना छोड़ दे, दूसरी दफा बोल दे दूसरी दफा, और जब वो है तो उसमें सर में उलझा तुझे तो फुर्सत ही नहीं है तुझे खुदा सुनने। तो क्या मतलब है क्यों छोड़ दे? इस वजह से कि तेरे यहां बुलाने का जो मकसद था वो तो तुझे एक दफे भी ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा दुनिया में लग रहा। कोई जरूरी बात हो तो ऐसा हराम भी नहीं, लेकिन हम तो जरूरी और बेजरूरी का मामला ही नहीं, हमारे लिए तो अल्लाह के नाम के अलावा सारी जरूरी है। बस याद नहीं आता तो अल्लाह नहीं आता, डर नहीं लगता तो अल्लाह से। मस्जिद में भी वही बात याद करते और वही लेकर चले जाते हैं। इस तरह है तो बहरहाल अल्लाह 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 बहुत बड़ा नाम है और अल्लाह उसी को कहा जाता है। बिस्मिल्लाह शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम, बिस्मिल्लाह। और फिर आगे क्या है? अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह है तो वो अहकमुल हाकिमीन, वो मालिकुल मुल्क वल मलकूत, वो आसमान और जमीनों का पैदा करने वाला, वो हर तरह की ताकत और कुव्वत अपने अंदर रखने वाला, वो दुनिया को अलट और पलट कर देने वाला, बिस्मिल्लाह उसके नाम से शुरू। लेकिन बंदा न बंदा, मुझे ना तो उसकी हाकिमियत चाहिए, ना उसकी मलकूतियत चाहिए, ना विजारत उज़्मा चाहिए, मैं तो गुलाम हूं और गुलाम की कुछ जरूरत है, मुझे तो नजर करम चाहिए, नजर करम चाहिए। इसलिए कहता है अल्लाह के अंदर अगर ये सब कुछ आ गया, उसका बादशाह होना भी, उसका खालिक होना भी, उसका मालिक होना भी, उसका हय्यो कय्यूम सारी दुनिया का बंदोबस्त करने वाला होना भी, सारा कुछ आ गया, लेकिन मुझे तो सबसे ज्यादा जरूरत जो है आपके नजर करम। इसलिए कहता वरना जब अल्लाह का नाम ले लिया तो अभी तो बताया था कि सब कुछ आ गया उसमें, फिर रहमान और रहीम की क्या जरूरत? रहमान और रहीम की जरूरत यह है कि आप सब कुछ सही, मगर मुझे तो आपके नजर रहम और रहमान रहीम। रहमान के माना बहुत ही रहम करने वाला और रहीम के माना भी बहुत ही रहम करने वाला निहायत रहमान रहीम। तो अब ये बताया जा रहा कि बंदे को ये अर्ब सिखा रहा कौन? अल्लाह। तो इससे पता चला अल्लाह ही ये सिखा रहा है कि मेरे बंदे तुझे रहमत की जरूरत है, इसलिए हमारी नजर हमारी रहमत पर नजर रख, और हमारी नजर रहमत का उम्मीदवार जिसके अंदर ये सिफत पैदा हो जाए उसकी रहमत पर नजर और उसकी नजर रहमत का उम्मीदवार, यही जान है तसव्वुफ की, यही जान है बुजुर्गी की, यही जान है लिल्लाहियत की। सारे औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन यही मेहनत करने आए हैं कि बंदे के अंदर आजिज़ी और इनकी सारी पैदा हो जाए, खुदा की किबरियाई और बड़ाई पर नजर रखने के साथ साथ उसकी रहमत का दरकार। अर्रहमान अर्रहमान बहुत ज्यादा रहम करने वाला निहायत हकीम। अल्लाह का अगर रहम ना हो क्यों हो रहे रहम की बात? इसलिए कहते रहम न हो मां के पेट में से किस तरह इसे दुनिया में बाहर निकाल दिया जाता है, रहम की बात है, वरना अगर उसकी नजर रहम तो जना ही नहीं जाता। रहमान वो बहुत ही रहम करने वाला नहीं है बोलो रकम सर। और ये तो दुनिया में तो है ही, रहम ना होता तो खाने को किस तरह
जब रहम आता है आपको किसी जानवर पर रहम, किसी इंसान पर रहम आ जाता है, तभी तो सोचते हैं बेचारा ठेकर ला लो इसके वास्ते कपड़ा, बेचारा भूख से वो हो रहा है, लो इसे जरा सा खाना। पहले रहम आएगा फिर ही तो रिस्क दोगे, पहले रहम आएगा फिर ही तो कपड़ा पहनाओगे, पहले रहम आएगा फिर ही तो अपने घर जगह दोगे, है नहीं? पहले रहम आता है फिर ये सारी बातें होती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमान है तभी तो रज्जाक है, अल्लाह रहमान है तभी तो गफ्फार है, अल्लाह रहमान है तभी तो सत्तार है, अल्लाह रहमान है तभी तो हय्यु क़य्यूम है, जबी तो फालिकुल हब्बी वन नवा है। ये सारे जो पैदा हो रहे हैं खाए जा रहे हैं बेबे सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत है। और अल्लाह जब ताकतवर है, अल्लाह जब बादशाह है, उसको गुस्सा भी तो ऐसा ही है, कहार भी तो है, वो जब्बार भी तो है, वो जबरदस्ती भी तो कर सकते हैं, वो कहार भी तो है, कहार भी तो तोड़ सकते हैं, अजीज़ इंतकाम है, बदला भी तो ले सकते हैं, बहुत गालिब है, है? और अगर वो बदला लेने पर आ जाए, वो हसीब भी तो है, हिसाब भी तो लेने वाले हैं, वो मुकीत भी तो है, निगरा भी है, वो रकीब भी तो है, अगर अल्लाह ताला हिसाब लेने पर आ जाए तो किसकी माने धोसा खाया है कि बच, सरकार दो आलम अला नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने एक दफा फरमाया कि बस काम तो अल्लाह की रहमत और मगफरत से ही चलेगा, मगफरत जो होगी वो तो अल्लाह के रहम से, आखिरत में जो बचाव होगा अल्लाह के रहम से होगा। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मुतहरा वो मौजूद थी, उन्होंने सोचा कि अल्लाह का रसूल ये बात कह रहा है कि सब का जो काम चलेगा अल्लाह की रहमत से चलेगा, अल्लाह की रहमत के बगैर मगफरत नहीं होगी। तो हजरत आयशा सिद्दीका जिनके सामने हुजूर की पूरी जिंदगी थी, हुजूर का वो तकवा, हुजूर की वो तहारत, हुजूर का वो रातों को जागना, पैरों पे बर्फ आना और पेट पे पत्थर बंधना, और ये सारा कुछ उन्होंने देख रखा था। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप भी, यानी क्या ये बात आपके लिए भी है, आपकी भी मगफरत रहमत से ही होगी, आपका इतना बड़ा अमल इस अमल की बुनियाद पर नहीं होने का। तो हुजूर ने फरमाया आयशा मैं भी है आयशा, मेरी भी मगफरत जब होगी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की, अब वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने यही फरमाया और ये हमें समझा दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का रहम ही काम आएगा वरना नहीं। एक जगह यह आता है कुरान में आता है फहा सब नैसा नहीं से या कयामत में जब हिसाब होगा तो बड़ा आसान हिसाब ले जाएगा। हजरत आयशा फरमाती है कि दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फमन नूकिशा उज़्ज़िबा, जिससे मनाक्षा कर लिया गया, जिरह कर ली गई, वो तो बचने का ही नहीं, उसे तो अज़ाब हो ही होगा, फमन नूकिशा उज़्ज़िबा, अगर हिसाब किताब पे यानी जिरह कर ली गई, बारीकी से हिसाब लिया गया तो बच नहीं सकता। तो हजरत आयशा ने कहा कि हिसाब तो होगा क्योंकि कुरान कह रहा है फहा सब नाहु, कहा कि अल्लाह ने यूं तो कहा फहा सब नाहु हिसाब यसीरा, वो हिसाब क्या होगा, वो तो अर्ज होगा, अर्ज यू अर्ज, या अर्ज का मतलब बस भी पन्ने से पलटवा दिए उसके वो वाउचर फाइल के, और मतलब ये कहा हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है, वो इस तरह से होगा तो काम चलेगा वरना वहां काम चलने वाला नहीं। किस कदर अजीम है रब्बुल जलाल कि सारी ताकत और कुव्वतों के बावजूद उसने ही जवानी दी, उसने ही ताकत दी, उसने ही कुव्वत दी, उसने ही सब कुछ दिया, और सब कुछ देने के बाद साहब वो हिसाब ले सकता था पूरा पूरा, उसने हिसाब भी नहीं लिया, और हमने उसी की दी हुई चीजों को उसके खिलाफ इस्तेमाल, जवानी दी अल्लाह की दी हुई जवानी और अल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल, नमाज पढ़ते हुए इतना जोर पड़े, मुझे भी पढ़े, मैं अपनी बात कर रहा आपके लिए कर, इतना जोर पड़े कि जानो बस जो जी चाहे जल्दी से खत्म कर, और
ना ही बस किसी तरफ बची जाए तो अच्छा ही। हालांकि क्या कर रहा है नमाज में, फल जोड़ रहे, कुछ वजन उठ रहा, वजन हाथ मुंह धोए, कालीन बिछे हुए, हल्की से हल्की मस्जिद में भी सफाई सुथराई घर से था, खुशबू लगी हुई, अल्लाह का घर, बाकी सफाई सुथराई, वजू करके आके बैठ गए। लेकिन जी यू चाहे तो शुरू की ही साथ चार चलेगा तो अच्छा, और नफले ही छोड़ दे और भी कुछ नहीं सुनता। मतलब इतना जोर पड़े है, इतना जोर पड़े है के साथ उसके मुकाबले में 5 किलो वजन भी तो नहीं उठ रहा। मतलब 5 किलो वजन उठा के कहीं लेके जाए तो यूं देखो जोर पड़ रहा, 5 किलो 10 किलो 10-12। लेकिन साहब वो आदमी, वो पल्लेदार आदमी, वो अब्दुल सलाम पल्लेदार जो कुंटल की बोरी को इधर से उधर कर देता है, उसे उसमें इतना जोर नहीं पड़ता जितना उसे नमाज पढ़ना बहुत भारी है, ये मैं नहीं सोच रहा बल्कि कुरान कह रहा है इन्नहाल कबीरतुन, ये बहुत गरा है और बहुत मुश्किल है और बहुत भारी है। इल्ला अल खाशिईन, हाँ इसे हल्का करने का एक ही नुस्खा है और वो अल्लाह का खुशू और अल्लाह का डर है। अगर अल्लाह का खुशू और अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो अल्लाह की ध्यान अल्लाह की मार्फत आ जाती है तो फिर तो हटाए नहीं हटता, फिर तो खड़ा और मंजिल हटाए नहीं हट रहा और नमाज पढ़ रहा और हटाए नहीं हट रहा, सारा सारा दिन और सारी सारी रात और मतलब एक थोड़ा रहा के साथ मतलब एक अल्लाह की इबादत में ऐसा मशगूल है कि जिसे उसे फुर्सत नहीं होगी। ऐसे कमजोर आदमी जिनकी कमजोरी सबको दिख रही है कि इतना ना करना चाहिए, मगर जब खुदा की मार्फत हासिल हो जाती है और खुशियत हासिल हो जाती है तो फिर वो हटाए नहीं हटता, फिर वो लग रहा है। तो भाई बात ये है, मैं अर्ज कर रहा था के क्या कह रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर हिसाब लेने पर आ जाए, हमने अल्लाह की दी हुई ताकतों को गलत इस्तेमाल किया और अल्लाह फिर भी चलो हिसाब में भी वादा सही, हिसाब में भी, वरना अगर हिसाब लेने पर आ जाते तो तोड़ के रखते। हदीस पाक के अंदर आता है सब अकल, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए कहा मेराज में तशरीफ ले गए और अर्श इलाही की ज़ियारत हुई तो अर्श इलाही पर एक आयत लिखी, एक चीज वो क्या थी, सबकत रहमती अला गज़बी, सबकत रहमती अला गज़बी, ये एक आईन लिखा हुआ था, एक कानून लिखा हुआ था, पूरे आईन और कानून और पूरी शरीयत और दीन की रूह लिखी हुई थी, मिजाज इलाही की सारी ताबीर लिखी हुई थी, वो क्या था, सबकत रहमती अला गज़बी, कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पे बढ़ी हुई है, जब उसमें ताकत है, जब उसमें कुव्वत है, जब उसने खाने को दिया, जब उसने पीने को दिया तो उसे पकड़ने की भी पूरी, उसे पकड़ने का भी पूरा हक है, वो चाहे तो पकड़ सकता है, कौन है जो उसका हाथ पकड़ ले के क्या करवा, कोई नहीं, लेकिन नहीं पकड़ता अल्लाह। और कहते क्यों, सब वक्त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर छा गई है, मेरी रहमत मेरे गुस्से से बढ़ गई है। तो भाई ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का मिजाज है, अल्लाह रहमान, इसलिए कहा गया ए बंदे तेरा काम रहमत से चलेगा, इसलिए तू बिस्मिल्लाह शुरू करता हूँ सद्दाह के नाम से जो बड़ा रहम करने वाला, रहमान बड़ा रहम करने वाला, यहाँ भी रहम करने वाला और मरने के बाद भी रहम करने वाला, दुनिया के अंदर भी रहम करने वाला और दुनिया के अलावा मीजान पे भी रहम करने वाला, पुलसनात पे भी रहम करने वाला, दोजख में भी, हर जगह रहम करने वाला, रहमान रहीम। मैंने कहा चलो रहमान में तो सारा कुछ आ गया था, फिर रहीम भी वही,
यानी रहमान के माना भी वही और रहीम के माना भी। रहमान के और रहीम के माना है बहुत रहम करने वाला, मगर इसमें थोड़ा सा बारीक फर्क। और बारीक फर्क यह है कि रहमान के माना है जो यहां भी रहम करे और वहां भी रहम करे। अब ये तो अल्लाह ही कर सके, वहां कौन किसी पर रहम कर सके, तो अल्लाह ही कर सके। लेकिन रहमान के माना है सिर्फ मोमिनीन पर, मानने वालों पर रहम करने वाला। रहमान के माना है मानने वालों पर रहम करने वाला, यहां वालों पर भी रहम, यहां भी रहम करे वहां भी रहम करे लेकिन मानने वालों पर। और रहीम के माना है मानने वालों पर भी रहम करे और ना मानने वालों पर भी रहम करे, लेकिन वहां नहीं कर सकता करे। रहीम के माना है अपनों पर भी रहम करने वाला और दूसरों पर भी रहम करने वाला। तो रहमान लाए कि यहां भी रहम करने वाला और वहां भी रहम करने वाला, और रहीम लाए कि यहां अपनों पर भी रहम करने वाला और गैरों पर भी रहम करने वाला। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत गैरों पर रहम करने वाले न होते तो किसी काफिर को एक लकमा रोटी का और एक पानी, एक खून पानी का ना मिलता। ये उसकी रहमत ही है, मान तू ना मान मगर मैं तुझे दूंगा। जब हमने बना दिया तो हमारी अल्लाह की जिम्मेदारी है कि हम इसे रोके, चाहे बात माने या ना माने। हमारे मुल्क में रहता है, हमारे मुल्क में रहता है तो इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है, चाहे वो हमारी पार्टी का हो चाहे दूसरी पार्टी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का यही निजाम है, रहीम रहीम सब पर रहम करने वाला, अपनों पर भी रहम करने वाला। तो भाई मेरे अजीजो, ये पहली चीज है जो पहला सबक है और हर मोमिन और मुसलमान को सोचाया गया कि हर काम से पहले तुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सोने से पहले, खाने से पहले और पहनने से पहले, जाने से पहले, घर में निकलने से पहले, दाखिल होने से पहले, हर जगह तुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है अगर तुझे खुदा की बरकत। मेरे बुजुर्ग को एक बात और जरा सी, एक बात और वो ये, अल्लाह सिखला रहे, देख तेरा काम बेटे, तेरा नगाम है मेरे बंदे, मेरी रहमत के बगैर नहीं चल सकता, इसलिए मेरी रहमत रहमत रहमान और रहीम का जाप किया कर, इसका चाप किया कर, इसे पढ़ा कर, इसकी तस्बीह पढ़ा कर और हर चीज से पहले पढ़ा कर। इसमें एक बात तो यह है कि इसमें एतराफ है मत पिछली, इसमें एतराफ क्या है मत पिछली, मैं खा ले बिस्मिल्लाह, पी ले बिस्मिल्लाह, पहन ले बिस्मिल्लाह, सो जा बिस्मिल्लाह, घर से निकलना बिस्मिल्लाह, गाड़ी में पैर रख रहा बिस्मिल्लाह, गाड़ी से उतर रहा बिस्मिल्लाह, बच्चे का हाथ पकड़ रहा बिस्मिल्लाह, ये एतराफ है कि मैं तो खुदा के अंदर खोया हूं, अल्लाह के नाम के अंदर समोया हूं। यही वो चीज थी आज मैंने बात शुरू की। काफिर बिस्मिल्लाह नहीं कहता, मोमिन बिस्मिल्लाह कहता है। बिस्मिल्लाह क्या कहता है? अपने बंदे होने का इकरार करता है और अल्लाह के अजीम होने का इकरार करता है। और जो बिस्मिल्लाह नहीं कहता वो अल्लाह को भी भूला हुआ है और अपनी आजीजी से भी बेखबर। यही बात अल्लामा इकबाल ने कही थी, मोमिन की ये पहचान, काफिर की ये पहचान के आफाक में, वो चीजों में तलाश करता है रहमत, वो चीजों में तलाश करता है बरकत, वो चीजों में तलाश करता है आराम, वो चीजों में तलाश करता है इज्जत। और मोमिन हर चीज को अल्लाह के अंदर तलाश करता है। काफिर की ये पहचान के आफाक, आफाक कहते हैं सारी कायनात को, आसमान और जमीन के किनारों को, वो तो आसमान और जमीन के दरमियान की जो चीजें हैं उसके अंदर राहत और आराम और बरकत ढूंढता फिरता है। लेकिन मोमिन ऐसा है
कि वो इन सबको नजरअंदाज करता है और वो कहता है ना मशरिक कुछ है ना मगरिब कुछ है ना पूरब कुछ है ना पश्चिम कुछ है ना चीजें कुछ है ना कोई चीज सामान कुछ है तो फकत अल्लाह की जात है। मोमिन की है पहचान के गुम उसमें है आपाप सारी कायनात उसकी जो है वो ताबे फरमा बरदार होकर उसके पैरों में आ जाए। तो भाई ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सबक, इस वजह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे एक सबक और मिलता है कि जब तेरा काम बगैर रहम के नहीं के और तुझे हर वक्त रहमत की जरूरत है तो तुझे भी तो चाहिए कि रहमत इख्तियार कर उसमें। अरे तुझे भी तो चाहिए रहमत इख्तियार, अपना कद पिछाड़ना चाहिए नहीं, उधर तो भीख मांगता फिर रहा और अपने मातहत पे बिगड़ता फिर रहा, अपने मातहत पे बिगड़ता फिर रहा। तुझे अपने 12 दर्जे के लोगों से हाकिम से और उससे रहम की जरूरत है तो तुझे भी तो किसी पर रहम करना चाहिए, तुझे भी तो किसी पर। तू अगर किसी पर रहम नहीं करता तो तेरे पर भी रहम नहीं किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। मल्लम यरहम ला यरहम, जो रहम नहीं करता उसको रहम नहीं किया। इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो तुम पर आसमान वाला रहम करो। खुदा का रहम अगर चाहिए तो जमीन वालों पर रहम करो, अपने जेर दस्तों पर रहम करो, अपनी बीवी पर रहम करो, अपने बच्चों पर रहम करो, अपने गुलामों पर और नौकरों पर रहम करो, अपने से छोटे मातहत जो है उनके ऊपर रहम करो, गरीबों पर रहम करो, पड़ोसियों पर रहम करो। तुम रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा, और अगर तुम नहीं रहम करते तो तुम क्या उम्मीद करते हो और किस मुंह से उम्मीद करते हो कि अल्लाह तुम पर रहम करे। तुमने तो अपने मातहतों पर रहम किया नहीं, तुम खुदा से कैसे उम्मीद करते हो कि तुम्हारे ऊपर रहम करे। अगर अल्लाह ने कह दिया तू ही वो जो काली पीले आंखें दिखाता था, सब रहम के मुस्तहिक थे। बीवी इसलिए नहीं कलट बजाओ, कतन जायज नहीं, कतन जायज नहीं, याद रखो बीवी कलट बजाओ। मारना जायज नहीं है औरत को, तलाक का हक है लेकिन तलाक देना भी अल्लाह के नजदीक इंतहाई नापसंदीदा, और 3 तलाक देना तो अल्लाह के नजदीक बहुत ही नापसंदीदा, बहुत नापसंदीदा। उसी के साथ रह रहे, उसी के साथ बच्चे पैदा हो रहे, उसी का प्रोटीन पकाई और उसे ही मतलब गर्व से नाराज हुए धर्म से 3 तलाक, फिर पूछते फिर रहे। जब अपनी ही जिंदगी बर्बाद हो रही ना देख रहा, अब ये तो घर चली जाए और बच्चों का क्या होगा, अब फिर ये रोता और गलत सलत वो करता और मसले पूछता कि किस तरह होगा, कोई बचाव होगा, यूं होगा वो होगा। हकीकत ये है कि जितनी बलाएं आ रही हैं और जितना कानून बन रहे हैं इसमें दूसरों से ज्यादा हम खुद जिम्मेदार हैं कि अल्लाह ने अगर इख्तियार दे ही दिया था तो इस इख्तियार का मतलब यह थोड़ा ही कि तुम उसे गलत इस्तेमाल करो। अभी जब बात के अंदर आता है कि तहत जलारिश इंद तलाक, तलाक के वक्त अर्शे इलाही हिल जाता है, ये किसने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने, कभी सुना, कभी गौर किया, कभी भी गौर नहीं। अल्लाह के रसूल ने अबगज़ुल मबाहात इंद अल्लाह तलाक, तमाम जायज चीजों में सबसे ज्यादा अल्लाह के अंदर अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा चीज तलाक, तू उसे कर रहा, तू उसे करके अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक होगा। हकीकत यह है कि इसे कुछ ना कुछ सजा होनी चाहिए, और यह सजा ही थी कि 3 तलाक के बाद में फिर कोई तरीका नहीं है उसके साथ रहने। अब देखो कितनी बड़ी सजा, ये कितनी बड़ी सजा। इसलिए मैं गवर्नमेंट के इस कानून की तो मतलब यह खैर मकदम करता हूं, उन्होंने 3 साल की सजा कर दी, ठीक किया। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि 3 तलाक देने के बाद भी फिर तलाक नहीं होती, 2 ही रहती है, इसमें हम इत्तेफाक नहीं करते, ये इसका मुस्तहिक ही नहीं कि उसको लघू किया जाए। बहरहाल ये तो अलग बात हो गई, मुझे अर्ज करना है रहम खाओ बीवियां, इसलिए नहीं हुजूर का इंतकाल हो रहा, हुजूर अलैहिस्सलाम मिसाल बन रहे, हुजूर के होंठ खिल रहे,
तो किसी साहबी ने कान लगा करके सुना कि हुजूर क्या कह रहे, तो हुजूर यूं फरमा रहे, एक तो नमाज के बारे में फरमा रहे नमाज की पाबंदी करना, और दूसरे ये कि औरतों और गुलामों के हुकूक अदा करना, मैं उनके बारे में तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ। हुजूर की आखिरी नसीहत और वसीयत ये थी कि औरतों के बारे में और गुलामों के बारे में, नौकरों के बारे में मैं तुम्हें अल्लाह से, यह है रहमतुल आलमीन की बात। अल्लाह को भी नाराज कर रहे हो अल्लाह के बंदों को सताकर, और रहमतुल आलमीन को भी नाराज कर रहे, और फिर सोच रहे हैं हमारा दामन रहमत से भर जाएगा। ऐसा नहीं हुआ करता, तुम्हें भी कुछ करना, तुम्हें भी कुछ करना। तो भाई रहम को इख्तियार करो, अपने मातहतों पर रहम करो, अपने बच्चों पर रहम करो, जानवरों पर रहम करो। उस पर छोटे पे इतना लाद दिया कि उसकी बस से बाहर है, और जब उसमें चल नहीं रहा तो ऊपर से भजा भी रहा। अल्लाह के यहां पूछो, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये जिंदगी की चीज है, इन्हें याद। हाँ, इसी से मुसलमान मुसलमान बनता है। तो रहमान और रहीम कहने के साथ साथ आपको ये करना होगा कि झुंडे पे भी रहम करो। भैंस है, बीमार है, या क्या उसकी बात है? अब जाहिर बात है वो समझदार तो है नहीं, अपनी मर्जी से वो बिल्कुल दूध दे, और अपनी मर्जी से दूध ना दे और चढ़ा ले, या अपनी मर्जी से ही उसका घट जाए, ये उसकी अपनी मर्जी नहीं, ये उसके अंदर या तो कोई मेडिकल फैक्ट है, कोई बीमारी है, अरे या कोई और बात है, जो भी कुछ है, बहरहाल उस पर ठाकर ने बजा दिया कि दूध नहीं दे रही। अरे यूं तो तेरे पूछा नहीं कि क्यों नहीं दे रही, अरे क्या बात है, और मतलब इसका इलाज कर, ये इतनी मर्जी की मालिक नहीं है कि तेरे से नाराज होकर दूध नहीं दे रही, बल्कि इसके दरमियान अंदर में कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये दूध नहीं दे रही। मेरे बुजुर्गो, अल्लाह ने, अल्लाह के रसूलों ने और नबियों ने और वलियों ने यही सिखलाया है, यदि इसी काम के लिए तमाम औलिया आए कि इंसान को सही मुसलमान बनाए, और इंसान को सही इंसान बनाए, उसे रहमत करने वाला बनाए, और उसे रहम करने वाला बनाए। मेरे बुजुर्गो, अगर ये सिफात आ जाती है तो वही स्तुति है, वही साफी है, वही बुजुर्ग है, वही वली है, और अगर ये सिफात उसके अंदर नहीं आती तो अगर इतनी बड़ी तस्बीह भी पढ़ता है और बहुत लंबी लंबी रकातें भी करता है तो उसे खुदा की मार्फत नहीं, जिसे बंदों के ऊपर रहम करना ना आया, वो क्या मतलब है कि क्या उसे क्या मार्फत आती है। इसलिए तमाम नमाज और रोजे की उसके साथ साथ हमारे ऊपर जरूरी है कि हम हर काम के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों पढ़ी जाती है, क्या है, ये मैंने बताया, ये अल्लाह से उसके रहम की मांग है, और हमें इसमें तालीम दी गई है कि हमें भी रहम करना चाहिए। हम रहम करेंगे तो अल्लाह की तरफ से रहम उम्मीद होगी, हम रहम नहीं करेंगे तो अल्लाह की तरफ से उम्मीद नहीं। और मेरे बुजुर्गो, आप और हम सब भिखारी हैं, और भीख मांगने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐ अल्लाह, तेरा नाम लिया है, और तेरे नाम ले लेकर रहमान और रहीम है, ये सारे नाम लेकर के तुझसे तेरे रहम के उम्मीदवार हैं, हमारे बिगड़े हुए कामों को बना दे। तो भाई नाम भी लेना चाहिए और नाम लेकर दुआ भी मांगनी चाहिए। अल्लाह ने खुद फरमाया है, वलिल्लाहिल अस्मा व हुस्ना फदऊ बिहा, अल्लाह के नाम लेकर दुआ मांगा करो, अल्लाह कबूल फरमाता है। लेकिन साथ साथ अपने अंदर इंसानियत अपने अंदर जो है खूबियां भी पैदा करो, वो सिफात जिनको लेकर अल्लाह का नबी आया, वो सिफात जिन्हें जो कुरान में मजकूर है, वो सिफात जो तमाम औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन ने जिसे फैलाने के लिए अपनी जिंदगी लुटा दी है और मिटा दी है, तर मखलूक खुदा वो हिदायत यही तो है, और क्या है, वो कोई ऐसी शीरनी थोड़ा ही है कि वो हाथों से वैसे तकलीम की जाए। असल शीरनी और असल तबर्रुक यही है बुजुर्गान दीन का कि साहब अच्छे अखलाक, अच्छे औसाफ, ईमान की बातें, अखलाक की बातें, रसूलुल्लाह की सुन्नतें, औलिया अल्लाह की खसलतें हमारे जिले में, यही ऐसी महफिलों का सही तबर्रुक और सही वो है। जब आ जाते हैं मिल करके बैठ भी जाते हैं, खाना भी खा लेते हैं, लेकिन असल चीज तबर्रुक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन बातों की कदर करने की और अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने की और मोहब्बत करने की तौफीक। भाई मेरी बात समझ में आए नहीं आए? अल्लाह छोटा सा मन बिस्मिल्लाह से शुरू कीजिए, हर काम बिस्मिल्लाह, हर काम ये मोमिन।